Hello, my dear students. Today again we will discuss how to calculate adjoint A and inverse of E of 2 cross 2 matrices. 2 cross 2 matrices का कैसे adjoint A और inverse A निकाला जाता है, ये से हम सॉल्व करते हैं. तो इसके लिए बहुत सिंपल सा है बच्चों. सबसे पहले तो हम A लिखेंगे मैट्रिक्स 8 4 4 2 और फिर इसे कन्वर्ट कर देंगे डिटर्मिनेंट में 8 2 4 2. ये हमने डिटर्मिनेंट में कैलकुलेट कन्वर्ट कर दिया और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. तो 16 माइनस 8 और ये आपका आ गया 8. तो 8 आ जाने से ये क्लियर हो गया कि इसका ए इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा. सो ए इनवर्स एग्जिस्ट. अब इसके पश्चात जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमारा नियम क्या था कि हर एलिमेंट के को फैक्टर निकालना. नाउ गेट द को फैक्टर ऑफ ए एंड राइट को फैक्टर मैट्रिक्स. तो देखिए अगर हम को फैक्टर मैट्रिक्स लिखें तो बहुत ही आसान होता है. इसमें आप ये याद रखिए जो हिडन साइन होते हैं वही होते हैं प्लस माइनस माइनस और प्लस. तो को फैक्टर मैट्रिक्स कैसे आएगा, इनको हम एक्सचेंज कर देंगे, इनको हम एक्सचेंज कर. तो यहाँ टू और ये इन्हें भी एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ टू और यहाँ फोर. बस ध्यान ये रखना है कि क्रॉसली एक्सचेंज तो करेंगे, एट की जगह टू एंड फोर की जगह टू क्रॉसली एक्सचेंज करेंगे हम, लेकिन एक्सचेंज करने का मतलब ये इस तरह से. लेकिन जो ये होंगे इनके आगे हम माइनस साइन लगा दें तो ये आपका बन गया कोफैक्टर मैट्रिक्स. और इसके बाद हम जानते हैं इस कोफैक्टर का मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज लेते हैं ये आपका आया बी. तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं एडजॉइंट ए तो वो हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ बी. बी का क्या ट्रांसपोज, तो इसका अगर ट्रांसपोज लें तो ये आएगा टू माइनस टू माइनस फोर एंड एट. ये आपका निकला एडजॉइंट ए. ट्रांसपोज का मतलब टू कन्वर्ट रो इनटू कॉलम. और इसके बाद हम जानते हैं ए इनवर्स आप निकाल लीजिए. तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है ए डी जे डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो ए डी जे आप देख रहे हैं ये वैल्यू है और डिटरमिनेंट की वैल्यू 8 है. तो हम 8 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. तो ये जब डिवाइड करेंगे तो पहला आ जाएगा 1 बाई 4, दूसरा आ जाएगा माइनस 1 बाई 4, फिर आ जाएगा 1 बाई 2 माइनस 1, फिर आ जाएगा 1. और इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा. आई होप आपको ये ए इनवर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. 2 क्रॉस 2 में ए इनवर्स निकालना काफ़ी आसान होता. आइए इस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि आप और क्लियरफाई कर सकें. एक क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास कि आइए इसको पार्टीशन कर दें जिससे क्लियर हो जाए. एक क्वेश्चन है ए इक्वल टू दे रखा बच्चों 3 9 माइनस 4 एंड 2. इसमें भी कह रहे हैं फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स बताइए. तो देखिए सबसे पहले तो हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लें. तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 3 9 माइनस 4 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3 2 6 माइनस ये और माइनस का 36 और ये हो गया 42 और नॉट इक्वल टू 0. अब आप समझ गए होंगे कि नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा जाता है. उसका एक बेसिक रीज़न ये है कि अगर नॉट इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे तो फिर ये माना जाएगा कि हो सकता है ये वैल्यू 0 के इक्वल है और 0 के इक्वल होगी तो फिर ए इनवर्स कैलकुलेट नहीं होगा. इसके बाद हमने क्या लिखा, जैसे यहाँ पे लिखेंगे नाउ गेट द कोफैक्टर कोफैक्टर ऑफ एंड राइट कोफैक्टर मैट्रिक्स. तो जो कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखेंगे तो देखिए हमने आपको बताया कैसे लिखेंगे, एक्सचेंज कर दीजिए मतलब 2 3 और ये हो जाएगा माइनस 4 और ये 9. फिर हमने आपको बताया था कि साइन पलट देते हैं तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये साइन माइनस का. अब इसका हम कैलकुलेट करेंगे एडजॉइंट. तो हम लिखेंगे ए डी जे एडजॉइंट. एडजॉइंट आप जानते हैं बी ट्रांसपोज, मतलब बी का जो ट्रांसपोज होगा वही आपका क्या होगा एडजॉइंट. ये हो गया 2 माइनस का 9 ये 4 और ये 3. गॉट इट. और इसे हम सिंपली सॉल्व कर लें यहाँ पर
सॉल्व नहीं करेंगे, ए एडजॉइंट आया, अब हम लिखेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट को इससे डिवाइड कर दिया 1/4, ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमने ए इनवर्स को कैलकुलेट किया। अब जितने भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे उन्हें आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।